इन्होंने डिफेंड ही किया और डिफेंड होने में ये मार खाते हैं। कभी कभी कोई सेंट्रल एशिया से आ जाता था, कोई अरब से आ जाता था, आकर हुक्मरानी करता था 500 साल। तो आपकी गुलामाना सोच आपके खून के अंदर है, जो पिछले 1000 साल से सेंसर लेकर आपके आए हैं। आप बिलीव करते हैं सिस्टम इस चीज के ऊपर? जी, इसके 3 साइकोलॉजिकल एक्चुअली एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज बड़ी क्लियर है। हमारी जो कौम है ना, हम तो एक वाइड कौम है कि जो अपने एक इन्वेडर के इस्तकबाल में ढोल तमाशा लेके पहुंच गए थे। वो फतह करने आया था फौज लेके, और हम उसके इस्तकबाल के लिए ढोल लेके चले गए थे। पूरी पूरी कौम उठ के आ गई थी। वो कुछ 3-4 हजार गज पीछे चले गए कि ये कोई नया हथियार है। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि कोई हथियार नहीं है ये, ऐसे कोई गैरत की कमी है इनके अंदर कि ये हमारा इस्तकबाल करने आए हुए, हम इनको मारने आए हुए, ये हमें ढोल तमाशा लेके वेलकम पार्टी दे रहे हैं। ये हमारी कौम की रिवाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में एक दफा हुआ है वाकया, और वो हमने करके दिखाया। सो जब तक देखिये, मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता, इवन दो साइंस बिलीव करती है कि जब आपकी डीएनए में गुलामी आए तो फिर वो गुलाम ही पैदा करेंगे। आई डोंट बिलीव दैट। आई थिंक एनीवन कैन बी नर्चर्ड इनटू। ठीक, मेरे सवाल का जवाब मिल गया। आप सही कह रहे हैं कि अभी भी कुछ हो सकता है। हम जरा बात करते हैं ईरान के रेवोल्यूशन के ऊपर भी, फ्रेंच के रेवोल्यूशन के ऊपर भी, रशियन रेवोल्यूशन के ऊपर भी, वेरी प्रेसाइज करके, क्योंकि आज के नौजवान को पता चले, क्योंकि जो इस वक्त सूरत हाल है सर, वो गुलामाना सूरत हाल ही मुझे दिखती है। आप देखिए, आपने ना फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की थी, तो हमारा तकरीबन वही हाल नहीं है। उधर भी तो किसानों ने किया था ना काम सारा, हम तो सारे पैदाइशी किसान हैं। वाई आर वी नॉट। देखिए, मैं आपको ना इसकी मिसाल देता हूँ अमेरिकन फैक्ट्री वर्कर्स के साथ। ये वर्ल्ड वॉर जब चल रही थी ना, बल्कि थोड़ा सा उससे पहले, इसको हाई कल्चर बोलते थे वो, कि ब्लैक स्मिथ जो कि माइन वर्कर्स होते थे ना, वो पढ़ तो सकते नहीं थे। उधर एक कल्चर इंट्रोड्यूस किया था अमेरिकन ने, उनके इंटेलेक्चुअल्स ने, जो कि ट्रू पॉलिटिशियंस थे, कि आपको अगर पढ़ना नहीं भी आता ना, तो फिर भी नॉलेज आप से दूर नहीं, आप सीख सकते हैं फिर भी। और एक एक लोहार ने, कारकुन ने, के कानकुन ने, कानकुन ने जो के माइन में काम करता था, बिल्कुल भट्टे के ऊपर बैठा होता था, उसने एक डॉलर देना होता था एक रीडर को, और वो रीडर किताबें खोल खोल कर उसको पढ़ के सुनाता होता था। ये सोचें तो सही, बड़ी कौमें बनती कैसे हैं? बड़ी कौमें उनके गुरबा से बनती हैं, उमरा से नहीं। उमरा तो हर जगह 2 नंबर होते हैं। सो द क्वेश्चन इज, हाई कल्चर की डेफिनेशन, हाई कल्चर की प्रोपगेशन कैसे की थी? इंटेलेक्चुअल्स ने की थी। उधर भी लामा इकबाल पैदा हुए थे, उनके अपने, उन्होंने प्रोपागेंडा किया कि भाई ये ज्यादातर अवाम तो गरीब है, इनको क्यों नहीं आप शऊर